ठीक है, खाना खा लेना, बच जाए तो फ्रिज में रख देना, और चाबी ले जाइए, और ठीक है। चिराग जी, अरे कहाँ बंदे आप तो? कैसे हैं? बोलो। अरे कम से कम हाल चाल तो बता दीजिए। सही है। अब भतीजा कैसा है? तुम काम बोलो। थोड़ा कुछ चाहिए था, चार दे दीजिए। चार अभी नहीं है मेरे पास। कितना है? अभी 500 से ज्यादा नहीं है। 500? भिखारी समझे? तीन दे। बोला ना 500 है। अरे ना 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 ना, इतना जोर ना लगाइए, हवा टाइट करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फिर कभी। अरे आप आदमी बुरे नहीं हो वैसे। चलते हैं, प्रणाम। हाँ, ऑर्डर दे के रखना था।
नहीं वो कोई इशू नहीं है, मैं देख लूँगा सब कल। मेरा नंबर दे देना, कोई इशू नहीं है। अप्रूवल की टेंशन मत लो, कल मैं आऊँगा तो देख लूँगा सब। सॉफ्ट कॉपी भेज दो। हाँ वो कल मैं आऊँगा तब। हाँ ठीक है ठीक। की राज्यपाल से मुलाकात, मौजूदा सियासी हालत पर चर्चा। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, इस वक्त की तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे बिना ड्राइवर के कार को चलाया जा रहा है। हालांकि इस तकनीक पर लंबे समय इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर फारा ना क्या हुआ? आज मैथ्स वाले सर नहीं है। आएगा फिर अभी? हाँ आधे घंटे में। ध्यान रखना, ठीक नहीं हुआ अभी तो। Channels model themselves and they conduct this thing called a debate in which the moderator is the prime instigator of the hit. So you take a khula hai aaja चप्पल बाहर, हाथ धो लेना। और बताएंगे सारी परफॉर्मेंस बुलाने के बाद, क्या हम सब ने इतना टाइम एक साथ बिताया है तो हम आज आप लोगों को बताएंगे कि अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ हमारे सिंगर्स के दिमाग में क्या क्या चलता है। आइए दिखाते हैं दिल की आपको शब्दों में कैसे करूं। खेलने कहाँ जाता है तू? पीछे वाले पाथ में। बेटा मैं जा रही हूँ। ठीक है, टिफिन रख दिया ना? हाँ ये रख दिया, और थैली बाहर छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है। नहीं, मिल गया। पालीवाल जी का रिटायरमेंट कल है? कल है, परसों बता। परसों नहीं, कल ही है। कल
केस बढ़ा कुछ आगे? चल रहा है, अब देखो। बात करनी है तो बताना, वो अपने यादव जी है ना, बिल्कुल घर जैसे रिलेशन है, कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा। आइए आइए चिराग जी, बैठिए। चाय वाय कुछ नहीं? अरे ठीक है, ले लीजिए। नहीं सर, ऑफिस में ऑलरेडी हो जाती है। और बेटा कैसा है आपका? चोट तो सही है ना उसकी अभी? जी हाँ। बच्चे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो चिराग जी, कोशिश अभी तो जारी है, कहीं कोई कसर छोड़ी है ऐसी बात नहीं है। फोटो सारे थानों में भिजवा दिया है, सभी को अलर्ट पर रखा हुआ है, फ़ोन भी सर्विलांस पर डाल दिया है, और भी कुछ करना पड़ा तो वो भी ज़रूर करेंगे। जैसे ही कुछ भी पता चलेगा हम आपको बताएंगे, आप निश्चिंत रहें। सर निश्चिंत कैसे रहूँ, इतने दिन हो गए अभी तक कुछ पता नहीं चला। आपका कहना जायज़ है, मैं समझता हूँ, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। जैसे भी कुछ भी पता चलेगा मैं आगे से फ़ोन करूँगा आपको, आप बार बार आने की परेशानी मत उठाएं, ठीक है? सर ये एक और नंबर है उनका। अच्छा लाइए, 296। ये नंबर तो आप मुझे पहले दे चुके हैं। अच्छा दिया हुआ है? हाँ ठीक है। अरे यार कोई बुलाओ उनको। चिराग आओ बैठो एक बार। जी बैठो, दो चाय बोलो फटाफट। नहीं सर इतने। अरे नहीं पी लीजिए। देखो चिराग, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन तजुर्बे के बेस पे कह रहा हूँ। आपकी वाइफ निर्मला जी को गुमशुदा हुए 3रा हफ्ता हो गया है। आपके बेटे का नाम क्या है? जी मोहित। कौन सी क्लास में है? 8th क्लास में। देखो चिराग, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हो, निर्मला जी मिल जाए हम भी यही चाहते हैं, लेकिन एक बात है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत गुस्सा करती थी वो। मेडिकल है अपने पास में, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ में मेरे साथ में वो बात नहीं है। बात यह है कि ऐसे पेशेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वो खुद से चली गई हों, आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। आपकी चोट का निशान भी अभी तक बाकी है। चाय लीजिए। देखिए बच्चे जो होते हैं ना बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो देखकर सीखते हैं, ना कि उन्हें बताया जाए। वो मोहित को चोट बॉल से तो नहीं लगी, इतना तो मैं जानता हूँ, जिस माहौल में रहते हैं उसका बहुत असर पड़ता है बच्चों के दिमाग पर। निर्मला जी के जाने के पहले
और बाद के माहौल में बहुत फर्क होगा आपके घर में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? देखिए, मोहित के साथ समय बिताइए। यूं भाग दौड़ में लगे रहेंगे तो जो अच्छा कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। आप अच्छे इंसान हैं इसलिए कह रहा हूं, अपने समय का उपयोग कीजिए। नमस्ते चिराग जी। अरे बड़ा इंतजार कर रहा था यार, आप कहाँ अटक गए थे? क्या है, कल दिया था ना तुम्हें, अब क्या रोज रोज आ रहे हो तुम? देखो, आपको परेशान करना ना हमको भी अच्छा नहीं लगता, पर दिक्कत ही कुछ ऐसी आई हुई है, थोड़ी अर्जेंट नीड है, फिर हम निकल रहे हैं अपने गांव। आप टेंशन आओ मत, कम से कम 5 महीने के लिए आप फ्री। क्या दिक्कत है? वो छोड़ो, कल के कल हमको 40,000 चाहिए। 40,000? हाँ। कहाँ से लाऊं? अरे होंगे ना आपके पास? नहीं है मेरे पास। तो किसी से उधार ले लो। अरे आप तो आदमी भी बहुत सही हो, कोई दे देगा आपको। यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारा सारा हिसाब किताब हो चुका था ना, जो कीमत तुमने तय की थी मैंने बिना कुछ बोले तुम्हें दे दी थी ना। मेरी लाइफ में वैसे भी खर्चे और परेशानियां कम नहीं है। देखो ये ज़्यादा मुजोरी ना करो, हाँ, कल के कल हमको पैसा दे दो। हम कोई विनती नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे घर परिवार का मामला है, वरना आपके बेटे का स्कूल, कोचिंग, और उनसे जिनसे आप मिलने जाते हो ना बार बार, उनका नंबर भी है हमारे पास, समझे? कल उसी जगह पर मिल लेना जहां आप पहले हमको लेकर गए। चलते हैं भैया। मीटिंग है, बोलो। हम लोग वहाँ नहीं मिल रहे,
कोई आसपास की जगह बता दो, वहीं आके दे जाऊंगा। अच्छा सुन, आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा, रात के लिए पुलाव बना दिए, तू गरम करके खा लेना। आप तो पूरे रवि किशन दिख रहे हैं। अरे छील दिए पूरा। अरे यार, एक बार भाभी जी को प्रणाम तो कर ले। ना 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 ना, यहीं तो था। 45 डिग्री। ये रहा। बहुत मेहनत कराई थी यार आपने। हाँ? क्या? पूरा नहीं हो पाया। पूरा? कितना है? 10 कम है। आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि हम महीनों के लिए गांव जा रहे हैं और किसी से बचते फिर रहे हैं, तो उसका आप फायदा उठा लोगे? मैंने कोशिश करी थी पूरी, कोशिश करी, लेकिन अभी खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए नहीं कर पाया। तो आप हालातों का फायदा उठा रहे हो? हा? एक कॉल नहीं लगेगा हमको? वजह भी नहीं पूछेंगे, बहुत लोगों के लिए काम किया है। मैंने कहा ना, मैंने कोशिश करी थी, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? कोशिश, एक काम करो, हम गांव जाते हैं, अपने आदमी को फोन करेंगे, वो आपके पास आ जाएगा पैसे लेने, आप उसको दे देना। हाँ क्या क्या, घर स्कूल कोचिंग सब पता है, चुम्मी नहीं तो गोली से ले ही लेंगे, इतना जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ, आप जितना लाए हैं उतना दे दीजिए।
अभी तक? नहीं, 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 नहीं।